धार जिले की सादलपुर पुलिस ने बीती रात मुखबिरी की सूचना पर एक पिकअप वाहन में भरी लाखों रुपए कीमत की अवैध बियर की पेटियां पकड़ी है। सादलपुर पुलिस थाना प्रभारी आनंद तिवारी के अनुसार सादलपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुणावत मुख्य मार्ग पर बोलेरो पिकअप वाहन में भारी मात्रा में अवैध शराब परिवहन की जा रही है, जिस पर सादलपुर पुलिस ने बताई गई गाड़ी को रोककर जांच पड़ताल के बाद अवैध रूप से भरी 110 पेटी पावर सुपर स्ट्रांग 10,000 जिसकी कीमत 2,90,400 रुपए तथा बोलेरो वाहन जिसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए पकड़ी है। कुल माल की कीमत 15,90,400 रुपए बताई जा रही है, जिसमें वाहन का ड्राइवर महेश रावत निवासी गंधवानी को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सादलपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई कर रही है। आज एक MP 11G4989 नंबर की व्हाइट पिकअप गाड़ी, इसमें सूचना थी कि इसमें अवैध रूप से शराब परिवहन हो रहा है। इसको हमने मेन रोड वहाँ से पकड़ा, इसको चेक करके इसके पास कोई लिखा ट्रांसपोर्टेशन के कोई कागज़ नहीं थे, इसको पकड़ा। इसमें से 110 पेटी हमको बियर मिली है पावर 10,000 कंपनी की। तो सर ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? कुछ अभी हमने ड्राइवर को पकड़ा है, उससे बातचीत हो रही है, आगे हम और डिटेल जानकारी आपको बाद में दे पाएंगे। जी सर, जी ड्राइवर कहाँ का है? कुछ ड्राइवर महेश रावत है, ये गंधवानी क्षेत्र का रहने वाला है। कुल 110 पेटी शराब है बियर जिसकी कीमत 2,90,400 रुपये है, और जो वाहन इसको परिवहन कर रहा था उसकी कीमत 13 लाख रुपये है। कुल 15,90,400 रुपये का मशरूम का जब्त किया है। कौन से ब्रांड की शराब है सर? पावर 10,000 सुपर स्ट्रांग बियर। जी सर।